आओ ना, जलाओ ही में इस तरीके से। हे गाइस, इट्स मी फैसल शेख। तो कुछ बोल रहा हूँ भाई, एक सेकंड मिलेगा क्या आपका? जस्ट आता हूँ, जस्ट। हाँ, सो हे गाइस, इट्स मी फैसल शेख। तो आज हम लोग कुछ नया चीज करने जा रहे हैं, जो कि है आप लोग गन्ना बोले तो शुगर केन। आप शुगर केन जानते होंगे, तो उसके बारे में वीडियो है ये, कि उससे गुड़ कैसे बनता है। गुड़ गांव में बोलते हैं भेली। सो उसके बारे में है, गुड़ के बारे में, वो कैसे बनता है, क्या क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है वहाँ पे, लेट्स गो। तो यहाँ से अभी हमको यू टर्न लेना है। सो यहाँ से हमें यू टर्न लेना है, देख सकते हो आप। यू टर्न लेके चलते हैं, दिखाते हैं जो होता है। ऑलराइट, तो अभी हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब काम हो रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या होता है क्या नहीं। राइट, सो अभी आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं, पीछे देख सकते हो। आइए दिखाते हैं आपको। फाइनली गाइस, ये है शुगर केन, देख सकते हो। गन्ना जो बोलते हैं शुगर केन है, यहाँ से स्टार्ट होता है गन्ने का जूस निकलने को। देखो भी निकल रहा है गन्ने का जूस पीछे, सो देख सकते हैं आप। रस पहले से यहाँ से निकलता है ना, ये इसमें ये डाला जाता है, उसके बाद यहाँ से जाके वहाँ गुड़ बनता है। यहाँ से जाके वहाँ इसका जूस वो जो गिर रहा है वहाँ से गिर के ये पाइप के थ्रू आता है यहाँ पे पूरा जूस इकट्ठा होता है, वो देख सकते हो। यहाँ से पहले उसमें डालते हैं, एक बार वहाँ पकाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से इसमें ला के पकाते हैं। दो बार पकता है ये, जब ये पक के पूरा रेडी हो जाता है तब उसके बाद फिर फाइनली इसको लेके जाते हैं दूसरी जगह, दिखाऊंगा अभी। फिर यहाँ से ये होके आता है यहाँ पे, तब ये असली गुड़ इधर सूखने के लिए रखते हैं ना, यहाँ पे सूखने के लिए रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब ये एकदम ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद उसको वहाँ पे ले जाया जाता है। सो आओ ना, जलाओ वहीं में इस तरीके से। हाँ, अंकल बताएंगे कैसे किया जाता है भाई। We'll be right back.
उसके बाद जो वहाँ चले जाएगा वैली बन जाएगा। गुड़ उसको कहते हैं। यही चीज वहाँ बन रहा है ना। तो ये जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है यहाँ से, उसके बाद इसको वहाँ ले जाया जाता है। इसको ऐसे रखा जाता है यहाँ पे। दिखा दे कैसे बन रहा है। उसके बाद ये ऐसे बन के रेडी होता है। मैं दिखा दे कैसे उसको बनाते हैं। कल से हम लोग पूछेंगे यहाँ पे डेली कितना सारा बन जाता है, फूड कितना सारा यहाँ पे बन जाता है डेली। बता सकते हो कितना रोज कितना बन जाता है भेली यहाँ पे? डेढ़ कुंतल। एक कुंतल? डेढ़ कुंतल। डेढ़ कुंतल तो गुड़ यहाँ पे रोज डेढ़ कुंतल बनता है। लगभग डेढ़ कुंतल बन जाता है भाई यहाँ गुड़। कितना रुपया किलो है अभी गुड़? गुड़ 45 रुपया किलो है अभी। 45 रुपया किलो है भाई अभी। ऑलराइट गाइस, अभी हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है। ये देख सकते हो गरम गरम बिल्कुल है। टेस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए यहाँ मेरी गड्डी है, हमारी गाड़ी एक्टिवा। सो हमने भी खरीदा है 2-3 किलो और हम उसमें रख लिए हैं सीट के अंदर। चलिए निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइज, अभी हम अपने चौराहे पे पहुँच गए मानीचंद। सो ये वाला रूट जो जाता है ये सीधे आपको पहुँचाएगा नेपाल, और ये वाला रूट पहुँचाएगा आपको लखनऊ। ऑल राइट गाइज, तो अभी हम अपने चौराहे पे हैं मानीचंद। हमने भी लिया है गुड़, ये देख सकते हो 2-3 किलो आसपास है। सो हमने भी लिया है। सो ऑल राइट, अभी हम कुछ खाएंगे, समोसा खाएंगे, उसके बाद तब निकलते हैं घर के लिए। गाइस, अभी हमने कुछ खाया और फिर अब निकलते हैं घर के लिए। ऑलराइट, सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। सो वहां हम मिल पे से आ चुके हैं, शुगर केन वाले मिल पे से जहां पे गुड़ बनता था, वहां से हम घर आ चुके हैं फाइनली। सो मैं ज़्यादा ब्लॉग को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया, आपको भी शायद मज़ा आया हो। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो मेरा ये ब्लॉग। इंजॉय किए हो भाई तो एक लाइक कर देना भाई, क्योंकि मेहनत कर रहा है आपका भाई। एक लाइक बनती है। और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। सब्सक्राइब मत भूलना यार, प्लीज़ भाई, और लाइक कर देना यार। इससे क्या होता है, लाइक करने से मोटिवेशनल मिलती है, मोटिवेट होता है आदमी। ऑलराइट, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ। आई होप आप लोग इंजॉय किए हो मेरा ब्लॉग। इंजॉय किए हो तो भाई लोग याद है ना। सो फाइनली, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। ये देखो भाई, पॉल्यूशन पॉल्यूशन।